आज बनाएंगे ब्रोकली की एक बेहतरीन सब्जी जिसमें तेल मसाले की क्वांटिटी बिल्कुल कम रहेगी और ये टेस्ट वाइज इतनी लाजवाब लगती है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये आपके लंच बॉक्सेस के लिए साइड डिश के तौर पे बहुत अच्छी रहेगी। ब्रोकली के अलावा इसमें और भी सब्जियां मिक्स करेंगे जिससे कि ये हेल्दी तो होगी ही, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करें। इसे बनाने के लिए हमें ब्रोकली, गाजर, कैप्सिकम और प्याज चाहिए। तो ब्रोकली की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, बाकी सब्जियां इक्वल क्वांटिटी में लेनी है हमें। बनाने के लिए पैन गरम किया है मैंने। ऐड करेंगे उसमें 1 टेबल स्पून तेल, थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा जब अच्छी तरह से भुन जाए तब डालेंगे इसमें प्याज को, और प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। बहुत ही कम तेल में ये सब्जी बन के तैयार होती है, लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत ही लाजवाब बनती है। तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, तब हम इसमें डालेंगे ब्रोकली को और साथ ही ऐड कर देंगे नमक और हल्दी पाउडर। बस यही दो मसाले हैं जिसमें ये सब्जी बनेगी, और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं आपको। तो नमक हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है स्टार्टिंग में ही, ताकि ब्रोकली अपना मॉइस्चर रिलीज़ करे और जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ब्रोकली को हमें पूरी तरह से गलाते हुए नहीं पकाना है, थोड़ा सा क्रंची ही बना रखेंगे उसे। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर कर दीजिए लो फ्लेम पे कम से कम 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पे लगभग 5 मिनट हो चुका है। ब्रोकली आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है देखने में, और मॉइस्चर भी काफ़ी रिलीज हुआ है, ये देखिए। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो कवर हटाने के बाद ब्रोकली को हमने आधे मिनट के लिए भून लिया है। अब डालेंगे इसमें कैप्सिकम और गाजर को, इसके साथ ही यहाँ पे 2 हरी मिर्च को बीच से तोड़ते हुए मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। अब इसे मिक्स कर लीजिए और फिर से कवर कीजिए 3 से 4 मिनट तक। इतने में गाजर और कैप्सिकम भी हल्की सी सॉफ्ट होंगी और ब्रोकली जो हमारा सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा और भी गल जाएगा। तो यहाँ पर इसे हमने कवर कर दिया है। काफ़ी अच्छी सब्जियाँ क्रंची बनते हुए सॉफ्ट हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से सॉफ्ट सब्जियाँ पसंद हो तो कवर करते हुए ही इसे पकाइए लो फ्लेम पे, तो अच्छी तरह से वो गल भी जाएंगी और सब्जियों का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे कवर हटाने के बाद हमने इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा केचप, जिससे कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, बच्चे भी इसे पसंद से खाएंगे। तो यहाँ पर केचप डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे हमें पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मिला लिया है हमने। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कवर करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक फ्लेम को ऑफ करने के बाद। सब्जियां काफ़ी अच्छी तरह से असेंबल हो गई हैं और लुक वाइज आप देख ही सकते हैं, कलरफुल सब्जियां बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ वाइज, और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब है। तो आप ट्राई ज़रूर करना, आपके लंच बॉक्सेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। चपातियों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।